पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पेशी पर आजम खान से पूर्व चेयरमैन अजहर खान की मुलाकात पर एक दरोगा सहित चार पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। दरोगा, हेड कांस्टेबल और दो सिपाहियों पर डीआईजी शलभ माथुर ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को मुरादाबाद जेल में बंद रामपुर के पूर्व चेयरमैन और आजम खान के करीबी अजहर खान को मुरादाबाद पुलिस तारीख पर रामपुर कोर्ट लेकर गई थी, जहां आजम खान भी कई अन्य मामलों में सुनवाई पर पहुंचे थे। रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दोनों नेताओं के एक साथ दिखाई देने वाला वायरल वीडियो डीआईजी रेंज को देते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये टोटल चार पुलिसकर्मी इसके अंदर सस्पेंड हुए हैं। इसके अंदर एक अभियुक्त है जिसका की नाम सलीम करके है, जो की बेसिकली न्यायिक अभिरक्षा के अंदर है, यहाँ जिला जेल मुरादाबाद के अंदर है, और यहाँ से इसको कस्टडी के अंदर जिला रामपुर में प्रोड्यूस किया गया था, और वहाँ पर इसके वीडियो और फोटोग्राफ्स आए हैं, जहाँ पर ये मीडिया के साथ में मीडिया पे जहाँ बाइट दी जा रही थी वो बिना पुलिस अभिरक्षा के मौजूद था, और उस पूरे जो घटनाक्रम में उसके अंदर कोई भी पुलिसकर्मी जो उसके साथ मुरादाबाद से लगाए गए थे वो मौजूद नहीं थे। तो प्रथम दृष्टया जो सहायक पुलिस अधीक्षक है उनकी जांच, जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो इसकी जांच सहायक पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा कराई गई, और उसके अंदर ये प्रमाणित हुआ कि वहाँ पुलिस के द्वारा ये लापरवाही बरती गई है। तो एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल जो कि जनपद मुरादाबाद के हैं, उनको एसएसपी मुरादाबाद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। थैंक यू सर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।